स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू मॉड्यूल वन सेवेंटी नाइन ऑफ इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस कोर्स और इसमें जैसा कि आप जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एथिकल इशूज़ रिलेटेड टू डेटा साइंस लास्ट सेगमेंट में और लॉस्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया प्राइवेसी को अब में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी को इसमें कुछ चीज़ें ओवरलैप होती हैं क्योंकि प्राइवेसी है ये सिक्योरिटी है

जो पिछले हमारे मॉड्यूल uh, से उनमें डिस्कस की तो सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ मेन टेक्निकल पार्ट और अगेन इसकी वजह ये कि हम ये हमारा मकसद तो ये है ना कि हम बीइंग एथिकल हम क्या क्या काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं अब सिक्योरिटी को अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है और अगर मुझे एथिक्स का बिल्कुल नहीं पता तो इट विल बी अ चैलेंज मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर अ गुड सोल्यूशन लेकिन अगर मैं एथिक्स को भी अंडरस्टैंड करता हूँ इंडस्ट्री की रेगुलेशन को भी अंडरस्टैंड करता हूँ मैं उस कंट्री की जो लॉज हैं उनको भी अंडरस्टैंड करता हूँ तो इट विल बी यू नो आई विल हैव मोर चांसेस टू डिज़ाइन और डेवलप और इम्प्लीमेंट अ गुड सोल्यूशन और अ गुड सिक्योरिटी पॉलिसी अच्छा जो डेटा की सिक्योरिटी आई विल अगेन गिव एग्जाम्पल ऑफ दिस डेटा पाइपलाइन कि डेटा मैंने स्टोर किया और फिर उसके बाद वो उसके जो डिफरेंट मराहल हैं कि कहाँ कहाँ से वो गुज़रा और फिर वो किस स्टेज पे जाके डिसमिनेट हुआ तो होता है कि डेटा जब आपके पास आ रहा है मल्टीपल सोर्स सिस्टम से तो वो आपके पास एक डाटा बेस में डाटा वेर और उसमें डाटा लेक में स्टोर होता है फिर डिफरेंट लोग उसको अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स जो कि रोल बेस्ड एक्सेस है या अपनी आइडेंटिटी एक्सेस के थ्रू वो उसको एक्सेस करते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप सिक्योरिटी से रिलेटेड नेटवर्क लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं कुछ चीज़ें जो कि डेटा बेस पर तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज़ एट डेटा बेस लेवल उसके अंदर डेटा की इनक्रिप्शन होती है आपने सुना होगा थर्टी टू बिट इनक्रिप्शन सिक्सटी फोर बिट इनक्रिप्शन बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं आपके मैथेमेटिक्स के जो कि उस डेटा को चेंज कर देते हैं फ़र्ज़ करें किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर हमें ये पता कि यार छः वो डेट है या दिन है वो फिर मंथ कौन सा है साल कौन सा है इन सम केसेस टाइम वगैरह भी लोग वो स्टो जैसे अगर हॉस्पिटल में जहाँ पे बच्चे वो जो मटर्निटी होम्स होते हैं वो उसका जो पैदाइश का टाइम पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन ब्ला, ब्ला ब्ला वो सारा कुछ भी होता है तो वो इन्फॉर्मेसन ओनली जो ऑथोराइज uh, लोग हैं वो सिर्फ एक्सेस करते कर सकते हैं इवन टेक्निकली स्पीकिंग भी इवन जो आपका डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको भी नहीं पता होता कि इस डेटा में क्या है जिसका काम है सिर्फ बैकअप लेना कि फ़ाइलों को उठाओ आगे करो पीछे करो डेटा को क्लीन करो इवन ही डज नॉट अंडरस्टैंड तो इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसमें डाटा की मास्किंग होती है डाटा की इंक्रिप्शन होती है और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप डाटा को सिक्योर करते हैं कि कोई और उसको ना देख सके तो बेसिकली ये आपका डाटा बेस लेवल पे जो मयर्स आप कर सकते हैं दीज आर सम ऑफ द मैयर्स लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी इंक्रिप्शन है विच इज़ पॉपुलर और इसके फिर डिफरेंट टूल्स भी मिलते हैं जो कि थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं छोटे छोटे उनको अगर आप यूज़ करें तो आपका जो है ना ये जो डाटा है दैट कैन बी इनक्रिप्टड और स्पेशली उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको जब एक फ़िज़िकल सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जब डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसमें भी डाटा हैज़ टू बी इनक्रिप्टिड और सम टाइम उसको कंप्रेस भी किया जाता है ताकि जो बैंडविट है वो जो पाइप है इंटरनेट का जिसके थ्रू या नेटवर्क का जिसके थ्रू डाटा ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है उस पर जो आपको एक अच्छी स्पीड मिल सके तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डाटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इसके अलावा नेटवर्क साइड पे सिक्योरिटी के अपने मामले आते हैं एक्सेस के अपने मामले तो इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या डाटा सिक्योरिटी या अपलिकेशन सिस्टम सिक्योरिटी ये एक ह्यूज फील्ड है लाइक एनी अदर फील्ड इन द स्पेस ऑफ कंप्यूटर साइंस तो सिक्योरिटी इज एज एड इट इज़ अबाउट द टेक्निकल स्टाफ कंपनीज़ अगर हम देखें दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड दे हैव लॉस्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉल्स ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्क ड्यू टू डेटा ब्रिचिज एंड स्टफ़ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी जैसे हमने सोशल मीडिया की बात की हमने अपना उसकी बात की जो पोलिटिकली जो लीक्स वगैरह की बात की इसी तरह जो और डिफरेंट आपके जो और एक चीज़ फिर ये भी है ना कि दुनिया में जहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑटोमेशन है पर्ज कर हमें ये पता है एवरी बॉडी नोज इट्स नो ब्रेनर नो नॉट रियल ए सीक्रेट फिर यू एस ए में या नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन है वहाँ पर कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेटा साइंस का कंप्यूटर साइंस का जो अमल दखल है एक आम आदमी की लाइफ में आ, एक आम आदमी की ज़िंदगी एक आम आदमी की ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा फिर यूरोप उसको फॉलो करता है मिडल ईस्ट करता है फिर एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पर ये इंटरनेट की पैनिटेशन बढ़ रही है इसी तरह है दुनिया में और ये जो लोगों की ज़िंदगी में इसका असर बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा वहाँ पर उसका यूज़ है उसी तरह से सिक्योरिटी की जो अहमियत है वो बढ़ रही है और इसी तरह से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पर जहाँ पे जि, देखें जितनी ज़्यादा कहीं पर कंप्यूटराइजेशन है उतना ही ज़्यादा वहाँ पर रिस्क है और वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं जो बिज़नेस को जो लॉस होता है उतना ही ज़्यादा है हमने कुछ ये तीन चार इंडस्ट्रीज़ का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ बेसिकली दीज आर दी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री लाइफ साइंसिस में हेल्थ केयर इज़ डेफिनेटली क्योंकि हर इंसान के लिए देखें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसकी अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत है इसी तरह फिर उसकी फैमिली है उसके बच्चे हैं यू नो पाउस और फिर जो पेरेंट्स तो वो हर एक की हेल्थ और फिर आप एक्सटेंडेड फैमिली एंड देन योर सोसाइटी एंड योर कंट्री तो जो आपका हेल्थ से रिलेटेड डेटा है दैट इज़ क्योंकि अगर आप देखें ना तो दुनिया में यू कैन प्लीज़ डू सम रिसर्च एट योर ओन हेल्थ साइंसेज यानी जो फार्मास्यूटिकल है ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री मे बी वन ऑफ़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री कि कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो आर एन डी पे कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिर वो उसको यूज़ कैसे करते हैं फिर उनकी जो मेडिसिन मार्केट में आती हैं जस्ट इमेजिन कोविड एवरी बॉडी नोज के इट नेवर हैपन इन द वर्ल्ड कि विद इन अ ईयर जो है किसी वैक्सीन आ जाए किसी भी एक डिजीज की जो कि मलेरिया फर्ज कन इट इज़ एयर फॉर डेकेड्स आज तक उसकी देर इज नो प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल लेकिन कोविड की तीन चार पाँच वैक्सीनेशन दुनिया में एक साल में डेढ़ साल में आ गई विच इज़ नॉट रियली आई वुड से देर वॉज नो प्रेजिडेंस फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क विच वॉज डन बिफोर एंड देर लॉट ऑफ थियरीज गोइंग अराउंड बट देर इज़ नो फैक्ट और प्रूवन फैक्ट अबाउट दिज इंफॉर्मेश बट ये ये जैसे अगेन लाइफ साइंसिस है बैंकिंग है इंश्योरेंस है ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जहाँ पे डेटा की आपकी जो रेगुलेशन uh, है आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं विद इन द कंपनी वो सारी चीज़ें दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल अच्छा अब जो सिक्योरिटी को समराइज़ करते हैं कि सिक्योरिटी में जो डिफरेंट एरियाज़ हैं एक्सेस कंट्रोल से लेके तो इंफॉर्मेशन की जो आपने शेयरिंग करनी है उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें एज आई मैंशन अर्लियर इट इज़ मैक्सीम बोर्ड द टेक्निकल स्टाफ जो आपके जो राउटर्स हैं स्विचेज हैं सर्वर्स हैं कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वायरस की फर्ज करें आपके पी सी पर भी अगर आप जब भी ऑन करते हैं या अगर आपका वो नहीं है कोई प्रॉपरली उसके ऊपर प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं है आपका कोई तो वो आपको मैसेज आते रहेंगे कि जी आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड नहीं है आपकी विंडो प्रोटेक्टेड नहीं है इस तरह के मैसेज तो इसी तरह ये चीज़ जो है वो आपका जैसे मैंने कहा आपका नेटवर्क आपका इंटरनेट आपका इंटरनेट एज एज अ कंपनी में बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली एज ए डाटा साइंटिस्ट यू विल वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके अंदर वो अगेन जो टच पॉइंट्स होते हैं ना फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थिंग वो सिस्टम है ना पूरा आपका जैसे तो बेशक वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है वो आपका सर्वर है वो आपका क्लाउड है वो आपका जैसे ही आप उसको एक्सेस करते हैं थ्रू सम राउटर और स्विच तो हर लेवल पे सिक्योरिटी की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो इम्प्लीमेंटिड होती हैं और होनी चाहिए और फिर इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम आते हैं इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम इंट्रूजन डिटेक्शन ये जो वायरस अटैक्स आते हैं मेलवेयर के अटैक्स आते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और वो बेताशा ट्रैफिक जनरेट करते हैं कि आपके सिस्टम को चोक कर देते हैं देर आर चैलेंजेस तो जस्ट टू कंक्लूड दिस मॉड्यूल ऑफ सिक्योरिटी You need to understand one thing. Again, there is an ecosystem of data science. Within that, there are different modules, different application different system different databases. और वो पूरे का पूरा जो आपका एक सिस्टम है कंप्यूटर साइंस का या किसी कंपनी का आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वी हैव टू बिल्ड अ सिक्योरिटी लेयर अक्रॉस द होल सिस्टम और उसको एक एक लेवल पे आपने मैनेज करना है देखना और उसको कंट्रोल करना है एंड दैट कैन गिव यू सम Rewarding benefits about information security.